हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक हैलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसमें कई सारे मैकेनिज्म हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हैलोजन डेरिवेटिव। हैलोजन डेरिवेटिव्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हैलोजन ग्रुप, ठीक है, प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो हैलोजन्स क्या क्या हो सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, दीज आर हैलोजन एटम्स और अगर ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में है तो इनको हम हैलोजन डेरिवेटिव कहते हैं। दे कैन बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, एरोमेटिक एंड एलिफैटिक। एरोमेटिक वो हैलोजन डेरिवेटिव होते हैं, एरोमेटिक वो हैलोजन डेरिवेटिव होते हैं जिनमें हैलोजन ग्रुप बेंजीन से डायरेक्टली एसोसिएटेड रहता है। ठीक है, तो यहां पर हैलोजन ग्रुप बेंजीन से एसोसिएटेड है। इसमें खास बात यह है कि जो क्लोरीन पर प्रेजेंट लोन पेयर है वो डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा और रेजोनेंस करेगा तो कार्बन और क्लोरीन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा और डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा तो ये बॉन्ड काफी स्ट्रांग होगा। ठीक है, और भी बन सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हमने फ्लोरीन ले लिया, यहां CH3, तो कार्बन और फ्लोरीन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा और यूजुअली इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं ये काफी हाई बॉन्ड एनर्जी या काफी स्ट्रांग बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये काफी स्ट्रांग बॉन्ड्स होते हैं। एलिफैटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एलिफैटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हैलोजन ग्रुप बेंजीन से या किसी एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं होता है। ठीक है, तो इनको हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, तो अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CHCl, तो यहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन कार्बन और इस ग्रुप को कहा जाता है विनाइल। ठीक है, इस कंपाउंड को कहा जाएगा विनाइल क्लोराइड। कॉमन नेम से भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, तो इसमें देखिए इसमें भी डबल बॉन्ड है मगर इस ग्रुप को CH2 डबल बॉन्ड CHCl को कहा जाता है अलाइल। ठीक है, अलाइल क्लोराइड, इसको क्या कहेंगे? अलाइल क्लोराइड। तो ये जो कंपाउंड्स हैं ये क्या कहलाते हैं? दे आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। इनफैक्ट जैसे बेंजीन पर अगर हम एक CH2 लगा दें और Cl, ये भी अनसैचुरेटेड है मगर ये एरोमेटिक नहीं है क्योंकि यहां पर कार्बन क्लोरीन जो लोन पेयर है, सॉरी क्लोरीन पर जो लोन पेयर है वो कार्बन के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और नहीं करेगा तो यहां सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा। ठीक है, और इसको हम एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव नहीं कहेंगे, इट विल बी एलिफैटिक हैलोजन डेरिवेटिव। इसका नाम है बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये तो हुए अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ऐसे भी होते हैं जो सैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड एलिफैटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स। सैचुरेटेड वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें क्या होता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं एज मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। सो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव वो होते हैं जिनमें केवल एक हैलोजन ग्रुप रहता है। ठीक है, जैसे CH3CH2Br, ओनली वन हैलोजन। ठीक है, और ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो इसको 1 डिग्री या क्या कहेंगे, प्राइमरी। 1 डिग्री या क्या कहेंगे, प्राइमरी। ठीक है, ऐसे हैलोजन जो सेकेंडरी कार्बन से जुड़े हैं ये क्या कहलाते हैं, 2 डिग्री या सेकेंडरी। ऐसे हैलोजन जो
टर्शरी कार्बन से जुड़े रहते हैं, ठीक है, ये कहलाते हैं थ्री डिग्री या टर्शरी, ठीक है, टर्शरी, और कई सारे इस तरीके के, ठीक है, आपको आगे देखने को मिलेंगे। ये ब्रिज हेड पोजीशन पर लगा हुआ हैलोजन है, अगेन इट इज टर्शरी। सो दीज आर मोनो हैलोजन कंपाउंड्स, क्योंकि इनमें एक ही हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे ही हो सकते हैं डाय हैलोजन कंपाउंड, डाय हैलोजन कंपाउंड्स। तो डाय हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं? डाय हैलोजन कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक से ज्यादा हैलोजन ग्रुप्स रहते हैं, ठीक है। तो एक से ज्यादा हैलोजन ग्रुप्स रहते हैं, ऐसे बन सकता है दोनों हैलोजन ग्रुप एक ही कार्बन पर आ जाए, और ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है जेम डाय हैलाइड्स, ठीक है, या जेमिनल भी कहा जाता है, जेमिनल डाय हैलाइड्स। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर हेलोजन ग्रुप्स एडजेसेंट कार्बन पर होते हैं, ठीक है, ये भी डायहैलाइड्स हैं, इन्हें कहा जाता है विसिनल डायहैलाइड्स, या इनको वीक डायहैलाइड्स भी कहा जाता है, वीक डायहैलाइड्स, या ऐसे हेलोजन ग्रुप्स जिनका कोई कनेक्शन ही नहीं हो, ठीक है, एक यहां पर है, न एडजेसेंट है, न एक ही कार्बन पर है, ये होते हैं आइसोलेटेड डायहैलाइड्स, आइसोलेटेड डाय हैलाइड्स। तो जेमिनल या जेम विसिनल और आइसोलेटेड डाय हैलाइड्स, ठीक है। इसके बाद रहते हैं ट्राय हैलाइड्स, जिनमें थ्री ट्राय हैलोजन कंपाउंड्स, ठीक है, जिनमें थ्री हैलोजन्स रहते हैं। तो थ्री हैलोजन्स बड़ा कॉमन एग्जांपल है CHCl3, दिस इज क्लोरोफॉर्म, CHI3 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडोफॉर्म, दिस इज ऑफ येलो कलर, आइडोफॉर्म, जिसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है ऑर्गेनिक में, इस पर आइडोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव, टेट्रा हेलोजन में फोर हेलोजन एटम्स रहते हैं CCl4, ठीक है, तो दिस इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका कॉमन नेम है पाइरीन। तो ये कुछ मतलब बेसिक सा क्लासिफिकेशन है जो आप लोगों को आना चाहिए। हैलोजन कंपाउंड्स या हैलोजन डेरिवेटिव्स आर दोस कंपाउंड्स विच कंटेन्स हैलोजन ग्रुप्स, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, दे कैन बी अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड, इफ दे आर एलिफैटिक एंड इफ दे आर एरोमेटिक देन हैलोजन ग्रुप विल बी एसोसिएटेड डायरेक्टली विद द बेंजीन। अगर डायरेक्टली बेंजीन से लगा हुआ है तो उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड रहेगा, और बाकी के केस में हमने देखा अगर मान लीजिए मोनो हैलोजन कंपाउंड है तो उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, और डाय हैलोजन को हम क्लासीफाई कर सकते हैं विसिनल जेमिनल एंड आइसोलेटेड। वैसे ही ट्राय हैलोजन और टेट्रा हैलोजन कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स में, ठीक है। हैलोजन डेरिवेटिव्स कुछ टिपिकल रिएक्शन शो करते हैं जो दूसरे फंक्शनल ग्रुप शो नहीं करते हैं, ठीक है। सो टिपिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स, टिपिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स, ओके, जो टिपिकल रिएक्शंस ये शो करते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये क्या होता है, कितने तरीके से होता है, ये हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या इनको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं SN, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल, उल्टा भी पढ़ सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड टाइप की रिएक्शन जो ये शो करते हैं दे आर एलिमिनेशन रिएक्शंस, और थर्ड टाइप की रिएक्शन जो ये शो करते हैं दे आर रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ
metals. Anyway, reaction with metals, ये हम आगे Grignard reagent या carbanion में discuss करेंगे, ठीक है? और metals के साथ, magnesium के साथ alkyl halides RMGX बनाते हैं, जो Grignard reagent होते हैं. तो फिलहाल हम लोग focus करेंगे nucleophilic substitution और elimination reactions पर. और ऐसा है, आपको अगर directly दिया जाए कौन सी reaction mechanism है, तब तो आप कर ही ले, और नहीं भी दिया जाए तो उस level पर हमको जाना है इस topic में, जिसमें आप analysis करके खुद से बता पाए कि reaction nucleophilic substitution है या elimination है, ठीक है? Elimination reactions को ऐसे अपन short में represent कर रहे हैं E, और इसके बाद में भी काफी काफी detail में हम लोग discuss करेंगे, okay? तो हम आज स्टार्ट करते हैं विद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं, अभी फिलहाल हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है, SN1 और SN2 पर. लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कई तरीके से हो सकती हैं, और आगे आने वाले चैप्टर्स में यू विल कम टू नो अबाउट दैट, ठीक है? तो कई सारे मैकेनिज्म इसके हो सकते हैं, लेकिन जो कॉमन है दे आर SN1 SN2, ये हम फोकस करेंगे अभी. SN1- भी हो सकता है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है SN1 और SN1- में, विल डिस्कस अबाउट इट. SN2- SNII represents intramolecular nucleophilic substitution. Then next type SNNGP. SNNGP इसको enchimeric assistance भी कहा जाता है. Enchimeric assistance. ठीक है, SNNGP. Next type reactions they are SNAR. Aromatic nucleophilic substitution. Next SNAE. ठीक है, also very important ये, लेकिन aromatic chemistry में आएगा ये, ठीक है? SNAR aromatic में आएगा. SNAE addition elimination, ये carboxylic acid and derivative में आएगा. And next and last SNEA, पहले elimination फिर addition, तो ये benzene mechanism में, again ये भी aromatic chemistry का part है, ठीक है? SNEA, या इसको benzene mechanism भी कहते हैं. SNAR aromatic nucleophilic substitution, SNAE addition elimination. So ये halogen derivative में हम ये तीनों नहीं पढ़ेंगे, हम ये छह जो है ये सारे focus करेंगे किसमें, halogen derivative topic में. तो nucleophilic substitution क्या है, सबसे पहले हम ये देखें. मान लीजिए कि यहां पर हमारे पास कोई ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप, मैंने जनरल ले लिया R. इस अल्काइल ग्रुप से कोई ग्रुप लगा हुआ है X, मान लीजिए हैलोजन है, क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन, और हम इसकी रिएक्शन कराते हैं किसी पार्टिकल से जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, लेट्स से Nu- इन द प्रेजेंस ऑफ ए सॉल्वेंट. तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, RNu और एक्स माइनस. इफेक्टिवली देखो क्या हो रहा है, इफेक्टिवली एक लिविंग ग्रुप एक्स चला जा रहा है और उसकी जगह ले ले रहा है न्यूक्लियोफाइल. मतलब ये सब्स्टिट्यूशन है, मतलब सब्स्टिट्यूट कर रहा है कौन, न्यूक्लियोफाइल किसको, एक्स को. इसलिए इस तरह की रिएक्शंस कहलाती हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. जैसे मैं बहुत सिंपल बात बताऊं आपको, CH3Cl ऑन रिएक्शन विद OH-, ठीक है, इन वॉटर एज सॉल्वेंट, it will convert to CH3OH and what, Cl-. तो यहां पर ये जो ग्रुप है ये हट जा रहा है और इसकी जगह OH आ जा रहा है. तो जो अटैक करता है, जो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करके बॉन्ड बनाता है, जो सब्स्टिट्यूशन शो करता है, उसे कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल. तो ये इलेक्ट्रॉन पे डोनर है जो कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है. जिस मीडियम में ये होता है इसे कहा जाता है सॉल्वेंट. हमेशा वाटर सॉल्वेंट नहीं रहेगा, क्या क्या हो सकते हैं, दैट वी विल डिस्कस. दूसरी बात, यहां पर दो पार्टिकल हैं, एक वो जिस पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, मतलब कोई ग्रुप आकर के लग रहा है, इसको कहा जाता है अल्काइल ग्रुप, या टेक्निकली इसे कहा जाता है सबस्ट्रेट. तो सबस्ट्रेट वो है जिस पर रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफाइल वो है जो रिएक्शन करता है, और जो ग्रुप हटता है
उसे कहा जाता है लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप, या इसे अपन लिखेंगे एलजी, लीविंग ग्रुप। ठीक है, तो जो हटता है वो लीविंग ग्रुप, जिस पर रिएक्शन होती है वो सब्सट्रेट, जो अटैक करता है वो न्यूक्लियोफाइल, और जिस मीडियम में होता है वो सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहां पर अगर अपन देखें तो ये क्या है, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, दिस विल बी लीविंग ग्रुप एंड दिस विल बी सबस्ट्रेट, और जिसमें ये सब डिजॉल्व है पार्टिकल्स वो क्या है, सॉल्वेंट। तो इस तरह की रिएक्शंस कहलाती हैं एस एन रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एस एन रिएक्शंस या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ने से पहले हम ये सारे फैक्टर्स डिस्कस करें कि लीविंग ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं, सबस्ट्रेट क्या क्या हो सकते हैं, सॉल्वेंट क्या क्या हो सकते हैं, और न्यूक्लियोफाइल क्या क्या हो सकते हैं, और उसके बाद देन वी विल स्टार्ट द वेरियस टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म जिससे ये हो सकता है। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स डिस्कस करते हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स विच अफेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग SN रिएक्शंस, जैसा कि हमने देखा फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। पहला फैक्टर R, R को हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट क्या होते हैं, बेसिकली ये अल्काइल या अराइल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो जिन पर कोई लिविंग ग्रुप लगा होता है, जैसे बहुत बेसिक एग्जांपल CH3Br, ये सबसे छोटा सबस्ट्रेट है, एक ही अल्काइल ग्रुप है, ये 1 डिग्री है। ठीक है, दूसरे ऐसे भी हो सकते हैं CH3CH2Br, ये भी क्या है, 1 डिग्री है, मगर यहां पर जिस कार्बन पर लिविंग ग्रुप लगा हुआ है यहां पर उसमें स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है। ठीक है, इस तरह के सबस्ट्रेट हो सकते हैं जिसमें लिविंग ग्रुप एक 2 डिग्री कार्बन से लगा हो, इसको कहते हैं सेकेंडरी सबस्ट्रेट। ऐसे सबस्ट्रेट हो सकते हैं जिसमें एक टर्शरी कार्बन से लगा हुआ हो, इसको कहते हैं टर्शरी और 3 डिग्री सबस्ट्रेट। तो अलग अलग टाइप के सबस्ट्रेट हो सकते हैं, ये सारे सैचुरेटेड अल्काइल ग्रुप्स हैं। ऐसे भी सबस्ट्रेट्स हो सकते हैं जिनमें अनसैचुरेटेड ग्रुप्स हो, जैसे फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, इस सबस्ट्रेट को हम कहते हैं विनाइल, समझ रहे हो। तो ये जो अल्काइल पार्ट है ये सबस्ट्रेट है। ठीक है, या इस तरीके का सबस्ट्रेट CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, और किसी लिविंग ग्रुप से लगा हुआ हो तो ये क्या है, दिस इज अलाइल सबस्ट्रेट। बेंजीन से अगर जॉइंड हो सो दिस इज फिनाइल सबस्ट्रेट, बेंजीन CH2, सो दिस इज बेंजाइल सबस्ट्रेट। ठीक है, ब्रिज हेड पोजीशन पर अगर आ जाए, ठीक है, तो इस तरीके का सबस्ट्रेट ब्रिज हेड, ठीक है, ब्रिज हेड सबस्ट्रेट। तो ये अलग अलग टाइप के सबस्ट्रेट्स हो सकते हैं, और भी कई सारे सबस्ट्रेट, एन नंबर ऑफ सबस्ट्रेट्स बन सकते हैं। ठीक है, अनदर सबस्ट्रेट, यहां पर कोई लिविंग ग्रुप लग जाए, दिस इज अनदर बाईसाइक्लो टाइप ऑफ सबस्ट्रेट। ऐसे सबस्ट्रेट्स भी आ सकते हैं जो स्पायरो हो, इन पे कोई लिविंग ग्रुप लग जाए, ठीक है, स्पायरो टाइप ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, तो इस तरह के कई सारे सबस्ट्रेट्स आ सकते हैं। एक ये बड़ा कॉमन सबस्ट्रेट है, ठीक है तो 1 डिग्री, मगर जो स्टेरिक क्राउडिंग है कार्बन पर वो बहुत ज्यादा है। तो ये सारे क्या है, सबस्ट्रेट्स हैं, और सबस्ट्रेट्स से हमेशा क्या जॉइंट रहता है, लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो अलग अलग सबस्ट्रेट्स में रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग होता है, और इसीलिए सबस्ट्रेट्स का भी काफी इंपॉर्टेंस है। 1 डिग्री सबस्ट्रेट, 2 डिग्री और 3 डिग्री सबस्ट्रेट्स, ये अलग अलग रेट ऑफ रिएक्शन शो करते हैं सेम टाइप के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। यूजुअली थोड़ा सा ध्यान रखें, इस तरह से मिथाइल, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड,
ठीक है, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड इस तरीके के आपको डायरेक्टली भी दिए जा सकते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, व्हाट इज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी कार्बन एटम पर, सो दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो ये सारे सब्सट्रेट्स जो हैं अलग अलग हैं और इनकी वजह से रिएक्शंस का रेट भी क्या होगा, अलग अलग होगा। समटाइम्स मैकेनिज्म भी इन सब्सट्रेट्स की वजह से चेंज हो जाते हैं, ठीक है, तो मैकेनिज्म और रेट दोनों को ये सब्सट्रेट्स अफेक्ट करते हैं। सेकेंड फैक्टर इज लिविंग ग्रुप LG, सो इट इज नॉट लाइफ इज गुड, इट इज लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप वो ग्रुप्स होते हैं, जैसे अभी अपन ने बात करी थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, तो लिविंग ग्रुप क्या होते हैं बताइए, लिविंग ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो कार्बन से पीछे छुड़ा के भाग जाते हैं और जगह दे देते हैं न्यूक्लियोफाइल को बॉन्डिंग करने के लिए, ये होते हैं लिविंग ग्रुप। तो ये लिविंग ग्रुप क्यों पीछे छुड़ा के भाग रहे हैं, क्योंकि इन पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है और नेगेटिव चार्ज स्टेबल होने की वजह से ये क्या होंगे, वीक बेसिस होंगे, एंड वीक बेसिस आर ऑलवेज गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो अगर इन पर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर स्टेबल है देन दे विल बी वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप्स, आसानी से ये बॉन्ड टूट जाएगा और क्योंकि ये एल नेगेटिव स्टेबल फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। सो हम ये बोल सकते हैं कि जो वीक बेसिस होंगे, वीक बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप। अब हम हैलोजन डेरिवेटिव टॉपिक में ही इसको क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज हैलोजन्स, ऑल हैलोजन्स एक्सेप्ट फ्लोरीन, दे आर वेरी गुड लिविंग ग्रुप्स। फ्लोरीन में तो क्या रहता है, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है, तो फ्लोरीन कभी भी, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो नहीं करते हैं, इनफैक्ट कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन शो करते हैं ईवन CB, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन बाय कॉन्जुगेट बेस। मगर इफ वी कंपेयर द लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑफ हैलोजन्स, ठीक है, तो सबसे वीक बेस है आई नेगेटिव, बिकॉज HI सबसे स्ट्रांग एसिड है, तो HI अगर सबसे स्ट्रांग एसिड है तो आई नेगेटिव क्या होगा, सबसे वीक बेस होगा। अगर हम बेस स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो F- फिर Cl- फिर Br- फिर I-, तो ये अगर बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर है तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर रहेगा I सबसे अच्छा, फिर Br, फिर Cl, फिर F, ठीक है। तो ये लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर रहेगा। तो ये जो फ्लोरीन है ये कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो नहीं करेगा, बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी पुअर लिविंग ग्रुप, बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रांग बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड फ्लोरीन। तो कार्बन फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है और ये लिविंग ग्रुप के फॉर्म में नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, देर आर मेनी अदर लिविंग ग्रुप जो हम लोगों को डिस्कस करने हैं। एक बात मैं पूछना चाहता हूं, इन दोनों में से विच विल बी बेटर लिविंग ग्रुप, इन दोनों में से कौन सा बेटर लिविंग ग्रुप होगा। दिस विल बी बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज यहां पर ओ नेगेटिव स्टेबल है, तीन इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग RS है, यहां पर दो इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग RS है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। पहली बात, अगर हम एसिड से चले तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, या ये बोले ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्गर बेस है, तो वीक बेसेस आर गुड लिविंग ग्रुप्स, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, आप इनके एसिड्स बना लीजिए, एसिड्स बना लीजिए और एसिड स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर आएगा, और एसिड स्ट्रेंथ का रिवर्स ऑर्डर रहेगा बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर, और बेस स्ट्रेंथ अगर वीक है, ठीक है, ये क्या है, दिस इज स्ट्रॉन्गर बेस, अगर अपन देखें अगर स्ट्रॉन्गर बेस है तो ये पुअर लिविंग ग्रुप होगा, तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी अगेन उल्टा होगा बेस स्ट्रेंथ का। अगर ये वीक बेस है तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, गुड लिविंग ग्रुप होगा। तो कभी भी क्वेश्चन लिविंग ग्रुप एबिलिटी पर आए तो यू कंसीडर वीक बेसिस एज गुड लिविंग ग्रुप, या बेस स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा उसका रिवर्स ऑर्डर होगा लिविंग ग्रुप एबिलिटी का। ओके, इन क्वेश्चंस में आपको कंपेयर करना है लिविंग ग्रुप एबिलिटी।
ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, एक पॉज करके और अटेम्प्ट कर लीजिए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये वीक बेस है और ये बेटर लिविंग ग्रुप होगा। एसिड बना लीजिए आप, CH3 सी डबल बॉन्ड ओएच, स्ट्रॉन्गर एसिड है। स्ट्रॉन्गर एसिड मतलब वीकर बेस, वीकर बेस मतलब गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, इसमें ये वाला गुड लिविंग ग्रुप होगा। दोनों तरीके से सोच सकते हैं हम। फिनॉल स्ट्रॉन्गर एसिड है तो वीकर बेस है, वीकर बेस है गुड लिविंग ग्रुप है। दूसरा तरीका, जो ऑक्सीजन पर लोन पेयर है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो ये क्या होगा, गुड लिविंग ग्रुप हो जाएगा। H2S स्ट्रॉन्गर एसिड, देन इट विल बी वीकर बेस देन वॉटर, तो इट विल बी गुड लिविंग ग्रुप। ऐसे भी सोच सकते हैं, एस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा ओ पर नेगेटिव चार्ज से, क्योंकि एस पर साइज ऑफ एटम ज्यादा है इसलिए गुड लिविंग ग्रुप होगा। इन दोनों में अभी हमने डिस्कस भी किया था, ये बेटर लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है, कुछ बड़े कॉमन से एग्जांपल्स हैं जो पूछे जाते हैं, देख लीजिए। तो ये काफी कॉमन है, इसको बोलेंगे पैरा टोलवीन सल्फोनिल क्लोराइड या पैरा टोलवीन सल्फोनेट। ठीक है, अगर अपन यहां ओ नेगेटिव लगा देते हैं तो सल्फोनेट हो जाता है, उसको बोलेंगे पैरा टोलवीन सल्फोनेट। दिस इज ए वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, वो काफी काम में आएगा, काफी क्वेश्चंस में पूछा जाता है। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, टोसाइलेट, टोसाइलेट, या इसको और शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं OTS, या ऐसे भी लिख सकते हैं TSO। तो ये ऑक्सीजन आ रहा है, इस पूरे ग्रुप को टोसाइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, टोसाइल ग्रुप कहते हैं, या ऐसे ही लिखते हैं इसको OTS। तो जब भी ये किसी अल्काइल ग्रुप से जुड़ा रहेगा R से, तो इट विल बी ए वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप और इसको टोसाइलेट कहा जाता है। ठीक है, ये बड़ा कॉमन है तो आप ये थोड़ा ध्यान रखें, टोसाइलेट क्या होता है। दिस इज पैरा टोलवीन सल्फोनेट, वेरी एक्सलेंट। ठीक है, इट इज एक्सलेंट लिविंग ग्रुप, टोसाइलेट भी कहते हैं, OTS या TSO इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अनदर फंक्शनल ग्रुप, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी कॉमन। ठीक है, इसको बोलते हैं मिथाइल सल्फोनेट, मिथाइल सल्फोनेट, मिथाइल सल्फोनेट, या इसको शॉर्ट में मिसाइलेट भी कहते हैं, या OMS। ठीक है, मिसाइलेट या OMS। सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। एक और है CF3, ठीक है, SO3 नेगेटिव। इन दोनों में से ये बेहतर लिविंग ग्रुप होगा, क्योंकि तीन तीन फ्लोरीन ग्रुप माइनस आई लगा करके नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलाइज कर देंगे, और स्टेबिलाइज कर देंगे तो क्या होगा, वो नेगेटिव यहां पर और ज्यादा स्टेबल होगा। सो दिस इज ट्राइफ्लूरो, ट्राइफ्लूरो मिथाइल सल्फोनेट, ट्राइफ्लूरो मिथाइल सल्फोनेट, या शॉर्ट में कभी कभी इसे ट्रिप्लेट भी कह देते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वेरी गुड और वेरी मतलब क्या होगा, बहुत ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी, इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप। ठीक है, वेरी गुड लिविंग ग्रुप या वेरी वीक बेस। ओके, दो और कॉमन है। अगर हम बेंजीन में पैरा पोजीशन पर NO2 लगा दें, ठीक है, या ब्रोमीन लगा दें, सो दे आर ऑल्सो वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप्स। इसको कहते हैं, ठीक है, नाइट्रो है तो इसको अपन पैरा नाइट्रो बेंजीन सल्फोनेट, या शॉर्ट में इसको ऐसे लिखेंगे पैरा नाइट्रो बेंजीन सल्फोनेट या नोसाइलेट, या पैरा ब्रोमो बेंजीन सल्फोनेट ब्रोसाइलेट। सो ऑल दीज आर गुड लिविंग ग्रुप्स। ठीक है, एक और कंपैरिजन है इन दोनों में, कौन सा ग्रुप बेहतर लिविंग ग्रुप होगा, विच विल बी बेटर लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी
ज्यादा होगी इसकी, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, इसलिए क्या होगा, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, वो पे नेगेटिव चार्ज स्टेबिलाईज हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है, OH माइनस और वाटर में से कौन सा बेटर लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है, तो OH माइनस स्ट्रॉन्गर बेस है, H2O वीक बेस है, ये गुड लिविंग ग्रुप होगा। इसीलिए क्या करते हैं, जब हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कराया तो हमने क्या किया, पहले इसको प्रोटोनेट किया, प्रोटोनेट करने से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यहां अगर लिविंग ग्रुप की तरह कोई जाता तो OH माइनस जाता जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, और यहां लिविंग ग्रुप की तरह जाएगा तो H2O जाएगा जो कि वीक बेस है। तो OH माइनस और H2O में से H2O वीकर बेस है, और वीकर बेस है इसलिए गुड लिविंग ग्रुप है। तो इसलिए OH को प्रोटोनेट किया जाता है जिससे कि ये कन्वर्ट हो जाए गुड लिविंग ग्रुप H2O में। ठीक है, और भी इस तरह के कंपेरिजन है, RO माइनस और ROH बेटर लिविंग ग्रुप, ROH, PHO माइनस और PHOH बेटर लिविंग ग्रुप, PHOH, RC डबल बॉन्ड O माइनस और RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, तो बेटर लिविंग ग्रुप न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो हमेशा क्या होता है, इस तरीके के पार्टिकल्स को प्रोटोनेट करने से दे कन्वर्ट इनटू गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, OH को प्रोटोनेट करते हैं तो H2O बन के निकलता है, OR को प्रोटोनेट करते हैं तो ROH बन के निकलता है, PHO माइनस को प्रोटोनेट करते हैं तो PHOH बन के निकलता है, RCO माइनस प्रोटोनेट करने के बाद RCOH बन के निकलता है। तो इस तरीके से हम प्रोटोनेट करते हैं इन ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को, सो दैट दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू गुड लिविंग ग्रुप्स। तो हमने दो फैक्टर्स डिस्कस किए, सबस्ट्रेट जिसको अपन R लिख रहे हैं, लिविंग ग्रुप, ठीक है, क्या मतलब बेटर लिविंग ग्रुप होगा, क्या रेट होगा, क्या ऑर्डर होगा लिविंग ग्रुप एबिलिटी का, ये हमने डिस्कस किया। थर्ड फैक्टर हम डिस्कस करते हैं सॉल्वेंट। मैं सॉल्वेंट इसलिए आपको पहले पढ़ा रहा हूं क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है, न्यूक्लियोफिलिसिटी या इलेक्ट्रॉन देने जो डोनेटिंग पावर है उसको मैं अच्छे से समझा पाऊं, इसलिए मैं सॉल्वेंट टॉपिक पहले ले रहा हूं। सॉल्वेंट वो होते हैं जिसमें ये सारे पार्टिकल्स डिसॉल्व रहते हैं, एक तरीके का ये मीडियम है जिसमें रिएक्शन होती है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, रिएक्शन क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, और इन कोलिजन के लिए क्या चाहिए होता है, इन कोलिजन्स के लिए मोबिलिटी चाहिए होती है। तो मॉलिक्यूल्स अगर मूव करेंगे नहीं तो टकराएंगे नहीं, और टकराएंगे नहीं तो पुराने बॉन्ड्स न टूटेंगे और न नए बॉन्ड्स बनेंगे। तो हमें मॉलिक्यूल्स की मोबिलिटी चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, और वेलोसिटी सॉलिड फेज में तो आ नहीं सकती है। तो वेलोसिटी आती है किसमें, आइदर इन सॉल्वेंट फेज और इन गैशियस फेज। ठीक है, तो रिएक्शंस को दो ही तरीके से कराया जा सकता है, आइदर इन सॉल्वेंट फेज और इन गैशियस फेज। सॉल्वेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शंस व्हिच वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। तो सॉल्वेंट को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, नॉन पोलर। नॉन पोलर वो सॉल्वेंट्स होते हैं जिनमें डायपोल मोमेंट जीरो होता है। ठीक है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हमेशा डिसॉल्व कर पाते हैं नॉन पोलर सॉल्यूट्स को। और दूसरे टाइप के जो सॉल्वेंट्स होते हैं वो होते हैं पोलर। पोलर वो होते हैं जिनमें डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है। तो दो टाइप के सॉल्वेंट होते हैं, नॉन पोलर और पोलर। ठीक है, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, ठीक है, वो यूजुअली आयनिक रिएक्शंस में काम नहीं आते हैं, वो फ्री रेडिकल रिएक्शंस में काम आते हैं। स्टिल रिएक्शंस तो किसी में भी कराई जा सकती है, बट नॉन पोलर सॉल्वेंट्स का डायपोल मोमेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स का डायपोल मोमेंट होता है जीरो। तो बहुत कॉमन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हम लोग काम में ले भी रहे हैं रिएक्शंस कराते वक्त, और पूछे भी जाते हैं, दे आर CCl4, डायपोल मोमेंट जीरो रहेगा, बेंजीन, CH2, कार्बन डाइसल्फाइड, ऑल दीज आर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स बिकॉज दे हैव जीरो डायपोल मोमेंट। ठीक है, इनका डायपोल मोमेंट जीरो है इसलिए सारे क्या है, नॉन पोलर है। पोलर सॉल्वेंट्स जो होते हैं इनका डायपोल मोमेंट होता है नॉन जीरो। और पोलर सॉल्वेंट्स को फर्दर हम दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट्स आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक।
पोलर प्रोटिक एंड पोलर ए प्रोटिक, ठीक है. सो व्हाट आर पोलर प्रोटिक? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो होते हैं जिनमें डायपोल मोमेंट तो नॉन जीरो होता ही है, मगर हाइड्रोजन एटम एसोसिएटेड रहता है आइदर विद ओ और विद एन, ठीक है. तो ओ के साथ, एन के साथ या एफ के साथ एसोसिएटेड रहता है, जिससे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बना सकते हैं, ठीक है. बड़े कॉमन से एग्जांपल है, बहुत यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ये तो, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट है H2O, ठीक है. मैक्सिमम रिएक्शंस में यही सॉल्वेंट रहता है. अल्कोहल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, OH बॉन्ड, अमाइड्स, लेट्स से 2 डिग्री अमाइड, यहां H होना चाहिए. HF इज ऑल्सो वॉट? पोलर प्रोटिक, ठीक है. तो ये सारे क्या होते हैं? पोलर प्रोटिक होते हैं, ठीक है. एक बार आप देख लीजिए. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे मान लो अपन ने वाटर लिया, तो इसमें दो एंड्स रहते हैं, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस. हाइड्रोजन बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डेल्टा प्लस डेवलप करता है, और ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डेल्टा नेगेटिव डेवलप करता है. तो अपन ने इसके अंदर कोई कैटायन या एनायन मिला दिया, तो कैटायन को सराउंड कर लेते हैं ये ऑक्सीजन एटम्स, क्योंकि ये ऑपोजिट पोल्स हैं, ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो इस तरीके से घेर लेते हैं इसको और एक केज बना देते हैं इसके अराउंड. इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉल्वेशन. क्या कहते हैं? सॉल्वेशन. सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का सॉल्यूट को घेर लेना इस सॉल्वेशन, ठीक है. इसको घेर लेते हैं, ठीक है. तो ये कैटायन जो होगा ये क्या हो गया? अंदर जकड़ गया, ठीक है, और इसके अराउंड मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सराउंड कर लिए. और अगर अपन एनायन लेते हैं तो ये एनायन को सराउंड कर लेते हैं हाइड्रोजन. तो ये एक खास बात है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट विल सॉल्यूट बोथ टाइप्स ऑफ आयंस. दोनों आयंस को सॉल्यूट सॉल्वेट कर देते हैं, ठीक है, बोथ कैटायंस एंड एनायंस. कैटायन को भी सॉल्वेट कर देते हैं और एनायन को भी सॉल्वेट कर देते हैं, ठीक है. सो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स सॉल्वेट बोथ कैटायंस एंड एनायंस. कैटायंस को और एनायंस को, दोनों को सॉल्वेट कर देते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, ठीक है. तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. अल्कोहल हुआ, फिनॉल हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड, HF, दे विल सॉल्वेट बोथ कैटायंस एंड एनायंस. नेक्स्ट टाइप के सॉल्वेंट्स होते हैं, ये भी बड़े कॉमन है, पोलर अप्रोटिक. पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? दे कैन सॉल्वेट ओनली कैटायंस बट नॉट एनायंस. ऐसा क्यों होता है हम देखते हैं. पहले हम देखते हैं कि भैया ये बहुत सारे जो कॉमन है ये इनके नाम क्या क्या है. बहुत कॉमनली यूज किया जाता है डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड. इसको DMSO भी कहते हैं, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, ठीक है. बड़ा कॉमन है ये डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड. दूसरा है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड. अब देखो नाइट्रोजन पर यहां कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये 3 डिग्री अमाइड है, तो ये पोलर प्रोटिक की कैटेगरी में नहीं आएगा. यहां पर सी पर एच है, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है. एन पर एच होता तो ये पोलर प्रोटिक होता, ठीक. इसका नाम है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, DMF, ठीक है. शॉर्ट में इसको लिखते हैं DMF. इसके बाद CH3 सी डबल बॉन्ड हो, NCH3CH3. सो दिस इज डाइमिथाइल एसिटामाइड, ठीक है, डाइमिथाइल एसिटामाइड. इसको DMA भी लिखते हैं, दमा, डाइमिथाइल एसिटामाइड, ठीक है. ओके
ओके, इसमें एक और है HMPN, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है, ठीक है, ये अमाइड तो है लेकिन फॉस्फोरिक एसिड के साथ, तो इसका फुल नेम है हेक्सा मिथाइलिन फॉस्फोरामाइड। या इसको हचम्पा भी कहते हैं, HMPA, ठीक है। दीज आर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। कुछ क्राउन ईथर्स भी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं। इस तरह के साइक्लिक कंपाउंड्स क्राउन ईथर्स कहलाते हैं। ठीक है, इस तरह के साइक्लिक कंपाउंड्स क्राउन ईथर्स कहलाते हैं। इसमें देखिए, हर दो कार्बन के बाद एक ऑक्सीजन, हर दो कार्बन के बाद एक ऑक्सीजन, हर दो कार्बन, दीज आर क्राउन ईथर्स। इनका नाम ऐसे लिखते हैं, 2, 4 and 6, ये तो कार्बन आइटम हो गए प्लस 3 ऑक्सीजन, तो टोटल नंबर ऑफ आइटम हो गए 9, फिर क्राउन और फिर 3। तो यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ आइटम, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जो साइक्लिक रिंग बना रहे हैं, तो साइक्लिक रिंग में प्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीजन, और 3 रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन। सो दे आर क्राउन ईथर्स, दे आर ऑल्सो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की एक खास बात है, जैसे हमने लिया डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, तो इसमें दो एंड्स तो हैं, नेगेटिव एंड और पॉजिटिव एंड, क्योंकि ये बॉन्ड पोलर है, O पर नेगेटिव चार्ज आएगा, S पर पॉजिटिव, मगर ये पॉजिटिव चार्ज अंदर घिरा रहेगा दूसरे बल्की ग्रुप्स के साथ, और जो नेगेटिव चार्ज है वो बाहर रहेगा। अगर नेगेटिव चार्ज बाहर रहेगा तो क्या होगा, जो कैटायनिक पार्ट है उसके आसपास तो ये मॉलिक्यूल घिर जाएंगे, मतलब कैटायन का तो सॉल्वेशन हो जाएगा, मगर एनायन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनायन के लिए सल्फर क्लोज आना चाहिए, और सल्फर कभी एनायन के क्लोज आ ही नहीं सकता, क्योंकि सल्फर तो खुद स्टेरिकली क्राउडेड है, तो ये कभी भी सल्फर आइटम इसके क्लोज नहीं आ पाएगा। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं, दे कैन सॉल्वेट कैटायंस बट दे कैनॉट सॉल्वेट एनायंस, और इससे न्यूक्लियोफिलिसिटी पर बहुत फर्क पड़ता है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। बट आप ये देख लें, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स सॉल्वेट कैटायंस बट नॉट एनायंस। एनायंस को सॉल्वेट नहीं करते हैं, सिर्फ किसको सॉल्वेट करते हैं, कैटायंस को सॉल्वेट करते हैं, ठीक है। तो आज हमने कुछ फैक्टर्स डिस्कस किए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए, सबस्ट्रेट, लिविंग ग्रुप और सॉल्वेंट। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टडी अबाउट न्यूक्लियोफाइल्स एंड देन वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग द मैकेनिज्म SN1 एंड SN2। थैंक यू वेरी मच।